भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने क्वारंटीन में वक्त बिताने के बाद 31 दिसंबर को अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। रोहित ने बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ की ट्रेनिंग में निगरानी में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। रोहित सिडनी में क्वारंटाइन पूरा करने के बाद बुधवार को टीम के पास मेलबर्न पहुंचे थे। रोहित चोट के कारण टीम के साथ शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे। वो सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्सा नहीं थे और टेस्ट सीरीज से भी पहले दो मैच नहीं खेल पाए थे। इसके बाद रोहित ने फिटनेस टेस्ट पास किया और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। हालांकि टीम के साथ जुड़ने से पहले उन्हें नियमानुसार क्वारंटीन में वक्त बिताना पड़ा। टीम तीसरे टेस्ट मैच के लिए 4 जनवरी को सिडनी जाएगी। पहली टीम को 31 दिसंबर को सिडनी जाना था, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते टीम की योजना में बदलाव हुआ। बीसीसीआई ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए रोहित की ट्रेनिंग की जानकारी दी। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, हिटमैन यहां आ चुके हैं, इंजन स्टार्ट हो चुका है। मुख्य कोच शास्त्री ने कहा था कि रोहित की टीम में शामिल करने पर कोई फैसला फिटनेस का आकलन करने के बाद किया जाएगा। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि यहां पर अब रोहित शर्मा कैसा प्रदर्शन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।